इससे पहले हमने चंद्र नंदिनी में देखा था एक खेल जिसके चलते हो गया अपमा के खेल का खात्मा। अब इसके बाद बहुत जल्द आप दूसरा खेल भी देखेंगे जिसके जरिए शायद हेलेना मुसीबत में फंस जाए। वैसे तो अपमा को महल से निकालने के बाद चंद्र ने हेलेना से कुछ नहीं कहा और ना ही किसी ने हेलेना पर शक तक किया है, लेकिन आपको बता दें कि ये एक चाल हो सकती है। हो सकता है कि चंद्र के दिमाग में हेलेना को लेकर कुछ बातें चल रही हों। हो सकता है कि चंद्र को अपमा के साथ साथ हेलेना पर भी शक हो, लेकिन वो अभी उस शक को हेलेना के सामने दर्शाना नहीं चाह रहा और इसीलिए वो कर रहा है नाटक। एक ऐसा नाटक जिस नाटक में बहुत जल्द फंस जाएंगी हेलेना। उन्हें लगता है कि उनकी विजय हो गई है, महल में अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के नए ड्रामे से वो अभी तक अनभिज्ञ हैं। आपको जानकारी दे दें, अपमा की कमजोरी यानी कि हेलेना को महल में रोका गया है ताकि अपमा को और चालें चलने से रोका जा सके और अपना को अपने हाथ में रखा जा सके, लेकिन यमन की ओर से जो भी गड़बड़ी हुई है उसको पता लगाने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए हेलेना के खेल का खात्मा कब होगा और कब चंद्र अपना भेद खोलेगा ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू, जुड़ जाएं हमारे साथ और पाएं सीएन की तमाम लेटेस्ट अपडेट। टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट।